ओडिशा में 3 दिवसीय चुनाव प्रचार करने के बाद रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का इस बार छत्तीसगढ़ में खाता ही नहीं खुलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने उसी दिन हार मान ली थी जब इधर के प्रत्याशी को उधर और उधर के प्रत्याशी को इधर किया गया था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सभी 11 लोकसभा सीट जीतेगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन हार मान लिया था जब इधर के प्रत्याशी को उधर, इधर के व्यक्ति को उधर, इधर के व्यक्ति को उधर, जब उन्होंने टिकट दिया उसी दिन वो हार मान लिए थे। इनके पास उस स्थान पर चुनाव लड़ने लायक कोई योग्य प्रत्याशी इन्हें नहीं मिला, तो जनता से जो नकारे गए लोग हैं ऐसे लोगों को भी उन्होंने टिकट दिया, बाहर के लोगों को टिकट दिया, क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, लड़ने को तैयार नहीं था। तो कांग्रेस तो उसी दिन हार मान चुकी थी, और जिस प्रकार से चुनाव अभियान कांग्रेस का चला, जनता ने दूरी बनाकर रखी, कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध जनता ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया, कांग्रेस में भगदड़ मची, उसके बाद भी यदि कांग्रेस पार्टी इस मुगालते में है कि वो 5 सीट जीतने वाले हैं तो ये उन्हें मुबारक है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सभी 11 लोकसभा सीट जीतेगी, कांग्रेस शून्य में आउट होने वाली है। अभी इस बात